नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोरोना वैक्सीन डिप्लोमेसी को लेकर राहुल गांधी पर तंज कसा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वैक्सीन पर किए गए ट्वीट का जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि मैं अमेरिका इसी पर चर्चा करने के लिए आया हूं। उन्होंने कहा कि ये एक गंभीर बात है और हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं यहां राजनीति का आदान प्रदान करने के लिए नहीं हूं। मुझे उम्मीद है कि इसे दूसरे लोग भी समझेंगे। गौरतलब है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो चुके हैं। विपक्षी पार्टियां लगातार वैक्सीनेशन पर केंद्र सरकार को घेर रही हैं। दिल्ली कांग्रेस ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात की। दरअसल केजरीवाल ने कंस्ट्रक्शन गतिविधियों और फैक्ट्रियों को एक हफ्ते के लिए ढील देने का फैसला किया है। इसको लेकर कांग्रेस नेता अनिल चौधरी ने कहा कि बगैर तैयारी के सीएम इस तरह की बात कह रहे हैं तो हमें उनसे और उम्मीद नहीं है, इसलिए हम उपराज्यपाल जी से मुलाकात करने आए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने व्यापारी संगठन और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमने कृषि कानून बनाए जो किसान और व्यापारी दोनों के लिए हित में है। किसान के उत्पादन का कोई भी सामान ट्रक में भरकर जा रहा हो, पंजाब से तमिलनाडु तक भी जाए, तो किसी भी राज्य में उसे हाथ नहीं दिया जाएगा, किसी राज्य में कोई उसे टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन दुर्भाग्य से वामपंथियों के आंदोलन के कारण इस कानून पर अमल नहीं हो पाया है। साथ ही मंत्री तोमर ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग को लेकर सरकार की बहुत सी सुविधाएं हैं, व्यापारी इस दिशा में आए, इस इंडस्ट्री में भविष्य बहुत अच्छा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहर के छत्रसाल स्टेडियम में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में काफी हद तक कोविड-19 की दूसरी लहर पर काबू पा लिया गया है और अब धीरे धीरे लॉकडाउन हटाने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोमवार से इस सप्ताह के लिए फैक्ट्रियां दोबारा खोली जा सकेंगी और कंस्ट्रक्शन के काम फिर से शुरू करने की भी मंजूरी दी जाएगी। दिल्ली में कोरोना के मामले में कमी के साथ ही अब अनलॉक की मांग तेज हो गई है। दिल्ली में कोविड की दूसरी लहर के बीच पहली बार 1000 से कम मामले सामने आए हैं। मामले कम होने के साथ ही अनलॉकिंग की भी उम्मीद बढ़ गई है। केजरीवाल सरकार ने आश्वासन दिया है कि कोरोना केस कम होने के साथ ही धीरे धीरे सभी गतिविधियों को फिर से जारी किया जाएगा। इंडस्ट्रीज अनाउंस की थी कि ये दोनों खुल सकती हैं, क्योंकि सबसे गरीब तबका जो प्रवासी मजदूर है वो सबसे ज़्यादा यहीं पे काम करता है और लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा गरीब लोगों को दिक्कत होती है। धीरे धीरे आने वाले हफ्तों में जैसे जैसे केसेस कम होंगे, आज जो पिछले 24 घंटे में लगभग 900 केस आए हैं, पहली बार 1000 से कम केस हुए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे जैसे केस कम होंगे हम और अनलॉकिंग करेंगे। हम तो चाहते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वापस पटरी पर आए ताकि इकोनॉमी वापस शुरू हो। मैं उनसे सहमत हूँ, व्यापारियों की व्यथा को मैं समझता हूँ, उनकी एंग्जाइटी को भी समझता हूँ, और मैं आज अखबारों में पढ़ रहा था कि वो थोड़े नाराज़ हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि देखो, बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने महीने डेढ़ महीना लॉक करके और स्थिति को काबू पाया है, उनकी उसको मैं समझता हूँ, लेकिन अभी वो थोड़ी सी पेशेंस रखें, जल्दबाजी ना करें। बहुत जल्दी हम चाहते हैं कि मार्केट्स भी खुलें, उनकी दुकानें भी खुलें, और धीरे धीरे जैसे जैसे स्थिति काबू में आती जाएगी हम सब कुछ खोलें। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर कहा कि उन्होंने वैक्सीनेशन को केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है, जहां मनीष सिसोदिया ने कहा कि सारे देश में
वैक्सीन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। केंद्र सरकार के गलत रवैये के कारण आज हालात ये हैं कि युवाओं को किसी भी राज्य में वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकारों को वैक्सीन सेंटर युवाओं के बंद करने पड़ रहे हैं। चीन सरकार ने दिल्ली सरकार को बताया है कि 10 जून तक युवाओं की वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी, इससे पहले वह नहीं दे सकते हैं। मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि हम फ्री में युवाओं को वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, लेकिन केंद्र ऐसा नहीं चाहती और प्राइवेट अस्पताल को वैक्सीन मुहैया करा रही है और वो 1200 रुपये वसूल भी रहे हैं। सारा डाटा केंद्र को सामने रखना चाहिए, किसे कितनी वैक्सीन दी जा रही है। वैक्सीन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, पीपी किट्स, टेस्टिंग किट्स जैसी जितनी चीज़ें हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, लेकिन मूल रूप से वैक्सीन, इसको सबको टैक्स फ्री कर दिया जाए, इस पर जीएसटी का रेट जीरो कर दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ वित्त मंत्रियों ने इसका विरोध किया। पश्चिम बंगाल ने इसका समर्थन किया, पश्चिम बंगाल ने भी यही मांग रखी, पंजाब ने भी यही मांग रखी, छत्तीसगढ़ ने यही मांग रखी, तमिलनाडु ने यही मांग रखी, झारखंड ने यही मांग रखी, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ वित्त मंत्रियों ने भी, 2-3 वित्त मंत्रियों ने ये मांग रखी कि वैक्सीन पर टैक्स का रेट जीरो कर दिया जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि जीत के अहंकार में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मस्त हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका, आप कौन सी चीज हो। सीएम ने कहा, मैंने पहले ही टीएमसी का मतलब बताया था, तोड़ो मारो और काटो। जीतने के बाद प्रतिद्वंदियों को तोड़ना मारना शुरू कर दिया था। ममता दीदी ने अब बंगाल को भारत से काट रही हैं। शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री बंगाल की जनता की चिंता करने पहुंचे थे और उस पर आपसे चर्चा होनी थी। जिस जनता ने आपको चुना उसके कल्याण पर आप चर्चा नहीं करना चाहती, ये आपका अहंकार नहीं तो क्या है। 94% अहंकार में चूर हो गई, लेकिन मैं उनको आगाह करना चाहता हूं, अहंकार रावण का भी नहीं रहा। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके पीछे देश चलता है। तो वो अगर पश्चिम बंगाल गए थे तो वहां जनता के कल्याण के लिए गए थे, तूफान पीड़ित भाई और बहनों का हालचाल जानने गए थे। उस समय किसी मुख्यमंत्री का ऐसा बर्ताव करना, ये पश्चिम बंगाल की जनता का अपमान है। मैं भी कई वर्षों से मुख्यमंत्री हूं, जब श्री मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे मैं लगभग 9 साल उनके साथ मुख्यमंत्री रहा, हमने कभी उनके सम्मान पर आंच नहीं आई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुरुग्राम जिले में 4 ऑक्सीजन पीएसए प्लांटों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। ये प्लांट मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के सहयोग से सीएसआर के तहत बनाए गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मारुति कंपनी ने हमेशा प्रदेश सरकार का मुश्किल घड़ी में सहयोग किया है। पिछली बार भी जब कोरोना संक्रमण की पहली लहर आई थी तब भी मारुति कंपनी द्वारा वेंटिलेटर की कमी को पूरा किया गया था। इस बार भी ऑक्सीजन का संकट गहराया तो आगे बढ़कर प्रदेशवासियों का सहयोग किया। तो आपको बता दें कि सीएम ने गुरुग्राम में 4 ऑक्सीजन पीएसए प्लांट का उद्घाटन किया
वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया। मनोहर लाल खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। दिल्ली में बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने शनिवार को प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता कमल थान की ओर से दिए गए बयान को लेकर जमकर आड़े हाथों लिया है। इस दौरान भाटिया ने कहा कि एक तरफ एनडीए सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना महामारी को परास्त करने के लिए 24 घंटे काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और दूसरे विपक्षी इस लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। भाटिया ने कहा, शुक्रवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने कहा था कि भारत महान नहीं बदनाम देश है। क्या कोई भारतीय नागरिक जो उच्च संवैधानिक पदों पर रहा हो वो ऐसा बयान दे सकता है? इस दौरान उन्होंने ये कहा कि भारत महान देश था, महान है और हमेशा महान ही रहेगा। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश कार्यालय में शनिवार को प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर विधूड़ी और सांसद रमेश विधूड़ी ने प्रेस वार्ता को संबोधित कर केजरीवाल सरकार पर राशन घोटाले का आरोप लगाया है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने अभी तक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू न करके जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। इसके साथ ही गुप्ता ने कहा कि मोदी सरकार ने दिल्ली में 72 लाख राशन कार्ड धारकों को राशन मुहैया करवाकर सीएम केजरीवाल ने अपनी तुच्छ राजनीति के चलते लोगों तक ये राशन नहीं पहुंचने दिया, ये बहुत बड़ा अपराध है। गुप्ता ने यह भी कहा कि दक्षिणी दिल्ली के एक स्कूल में 700 मैट्रिक टन राशन पड़ा हुआ बर्बाद हो रहा है। हमारी मांग है कि इसकी जाँच हो और दोषियों को सजा मिले। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 140वें बैच के औपचारिक पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। 3 साल बाद अकादमी से 300 से अधिक कैडेट पास होंगे और पिछले साल 217 कैडेट्स की पासिंग आउट परेड हुई थी। हर साल कैडेटों के 2 बैच भारत की प्रमुख त्रिसेवा सैन्य अकादमी से पास आउट होते हैं। यह तीसरा अवसर होगा जब प्रतिष्ठित पासिंग आउट परेड कोरोना महामारी के बीच आयोजित किया जाएगा। समारोह में सख्ती से कोरोना नियमों का पालन किया गया। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन में के बचे हुए मुकाबले यूएई में खेले जाएंगे। ये फैसला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की शनिवार को हुई विशेष आम बैठक में लिया गया। टूर्नामेंट का आयोजन सितंबर अक्टूबर में होगा और वहीं बीसीसीआई ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल से समय मांगा है। बीसीसीआई ने फैसला किया है कि टी20 विश्व कप की मेजबानी पर अंतिम निर्णय लेने से पहले उसे कुछ और समय लगेगा। आपको बता दें कि आईपीएल के 14वें संस्करण के 31 मैच खेले जाने बाकी हैं। ये सभी मुकाबले यूएई में खेले जाएंगे। हालांकि तारीख की घोषणा बीसीसीआई ने नहीं की है। कई टीमों में कोरोना के केस सामने आने के बाद आईपीएल 14 को 4 मई को टाल दिया गया था। 2 मई तक कुल 29 मुकाबले खेले गए थे। राजस्थान के भरतपुर में 2 बेखौफ बदमाशों ने एक डॉक्टर दंपति को दिनदहाड़े सड़क पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब डॉक्टर दंपति कार में सवार होकर किसी काम से कहीं जा रहे थे। वारदात को अंजाम देकर मंगलवार मौके से फरार हो गए। इस मर्डर का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई ने बताया कि डॉक्टर दंपति अपनी कार में सवार होकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में हथियारों से लैस 2 बदमाशों ने उनके कार को रोक लिया और पति पत्नी दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। दंपति का जो आज मर्डर हुआ है इसमें दोनों 21 को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास जारी। घटनाक्रम 2019 में एक जो घटना हुई थी जिसकी भी आप सभी को भी जानकारी है उससे संबंधित है। जो
पूर्व में जिस का मर्डर हुआ था उसके भाई और उसके एक साथी उन्होंने घटना को अंजाम दिया है, दोनों की जल्दी ही गिरफ्तारी की जाएगी। दंपति राजस्थान के दौसा जिले में सिकराय और लालसोट विधानसभा क्षेत्रों के करीब डेढ़ दर्जन गांवों में आज भी लोग परंपरागत तौर तरीके से जीते हैं। आजादी के 70 साल बाद भी इन गांवों तक सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं पहुंचा है। यहां पहाड़ी क्षेत्र होने से मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करते, जिससे इनकी जिंदगी दुनिया के अन्य भागों से कच्ची सी रहती है। केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया का भी यहां कोई असर नहीं है। मोबाइल नेटवर्क नहीं होने से महिलाओं का प्रसव भी परंपरागत तरीके से होता आ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि ये लोग चुनाव के दौरान के वादे पूरे नहीं करते। हालांकि इस मुद्दे को न्यूज इंडिया पहले भी प्रमुखता से दिखा चुका है, लेकिन सांसद जसकौर मीणा के अलावा दौसा के दोनों मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने आज तक भी इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। सांसद जसकौर मीणा ने पिछले वर्ष न्यूज इंडिया पर खबर चलने के बाद इस मुद्दे को संसद में भी उठाया था, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। मंत्री हैं साहब, एक प्रसादी और ममता, दो वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, फिर बाद में 5 साल तक देखते नहीं हैं आप। हमारे नेटवर्क की परेशानी है शुरू से ही, आज से नहीं शुरू से ही। हमारे एक तो क्या है, सबसे बड़ा सरकारी जो योजनाएं आती हैं सरकारी जितनी भी इंदिरा आवास वगैरह है वो भी नहीं है, मतलब जानवर बरसात के टाइम सांप भी छू निकलते हैं और कोई हमारी सुध भी नहीं लेता है। कोई मर्द का अगर डेड होता है किसी कारण सांप के खाने से तो सूचना देने के लिए पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है कि हमारी ये प्रॉब्लम होगी, नेटवर्क की सुविधा नहीं है। और सर यहाँ पर स्कूल की वजह से कोई सुधर नहीं, बच्चे 5 बजे तक पढ़ पाते हैं। राज्य सरकार के निर्देशों के बाद अजमेर की ग्राम पंचायत घटियाली में गरीब तबके के लोगों को सहायता को लेकर मनरेगा कार्य शुरू कर दिया गया है। इस दौरान मनरेगा कार्य शुरू होने से को लेकर विकास अधिकारी सुधीर कुमार पाठक ने कार्यों का निरीक्षण किया। घटियाली सरपंच लीला देवी मीणा के सानिध्य में शनिवार को ग्राम पंचायत क्षेत्र में मनरेगा कार्य शुरू हुए और वहीं घटियाली में शुरू हुए मनरेगा कार्य का विकास अधिकारी पाठक ने बताया कि एक साइट पर केवल 20 श्रमिक ही कार्य करेंगे। सभी श्रमिक कार्य के दौरान अपने अपने औजार का ही उपयोग करेंगे, साथ ही एक दूसरे से प्राप्त दूरी बनाकर ही मिट्टी खुदाई का कार्य करेंगे। वहीं खुदाई कार्य के दौरान मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग भी होगा। ने ऐसे कोरोना महामारी के चलते विकट परिस्थितियों में भी मनरेगा कार्य पुनः प्रारंभ करके गरीब लोगों को राहत प्रदान की है। राजस्थान सरकार का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जयपुर के दूदू में जयपुर अजमेर हाईवे पर शनिवार देर रात दो ट्रेलर की आमने सामने की भिड़ंत में दो व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की सूचना मिलने से मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज करके जांच कर रही है। रामनगर कट के पास नेशनल हाईवे 48 पर दो ट्रेलरों का एक्सीडेंट हो गया। इस इतला पर थानाधिकारी मैजाप्ता के मौके पर पहुंचे, जहां पर दो टेलर नंबर RJ01GA6279 व HR55X8520 दोनों एक्सीडेंट शुदा खड़े थे, जिसमें टेलर नंबर HR55X8520 में टोंक जिले के देवली में कोविड की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन द्वारा चलाए गए जागरूक अभियान के चलते देवली शहर टोंक जिले में अव्वल रहा है। CMHO ऑफिस से जारी आंकड़ों में देवली शहर में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा देवली ब्लॉक के आधा दर्जन वैक्सीनेशन सेंटर पर भी करीब 50% वैक्सीनेशन हुआ है। इसको लेकर हमारे न्यूज इंडिया के संवाददाता मनीष बागड़ी ने देवली SDO भारत भूषण गोयल से खास बातचीत की। कोरोना महामारी से रोकथाम के लिए प्रशासन की ओर से लोगों को जागरूक कर
ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसके चलते टोंक जिले में देवली में जो वैक्सीनेशन का आंकड़ा है वो अव्वल रहा है। देवली में 107.16% वैक्सीनेशन रहा है, जो अपने आप में बड़ी बात है। हमारे साथ है बात करने के लिए देवली SDM भरत भूषण जी गोयल, जिनसे हम जानते हैं कि किस तरीके से ये जो लक्ष्य प्राप्त हुआ है वो उसके पीछे किस तरह के प्रयास रहे हैं। हमने शुरुआत में हमें सब लोगों का बहुत सहयोग मिला, जितने भी देवली वासी हैं हम उन्हें समझाने में सफल रहे कि इस बीमारी को रोकने में वैक्सीन का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे यहाँ जितने भी NGO हैं, कुछ समितियाँ हैं, जनसेवा समिति है, एक पेंशनर समाज है, उन लोगों को हमने शुरू में समझाया और उन लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया। उनके पास एक अपना डाटाबेस था, हम लोगों को ये समझाने में सफल रहे कि आप जितने ज़्यादा वैक्सीन लगवाएंगे उतने लोग सुरक्षित रहेंगे। इस वजह से हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाए और मुझे उम्मीद है कि बाकी जो हमारा और रूरल एरिया है उसमें भी हमने अच्छा वैक्सीनेशन किया है, बचा हुआ टारगेट हम जल्दी ही पूरा कर लेंगे। देवली ब्लॉक में किस तरह के वैक्सीनेशन के आंकड़े सामने आए हैं? देवली शहर जो है वहाँ हमारा लक्ष्य से ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ है, 107% वैक्सीनेशन हुआ है। उसका एक कारण ये भी है कि कुछ शुरुआत में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने भी देवली शहर में आकर वैक्सीनेशन करवाया। इसके अतिरिक्त लगभग हर PHC CSC पर 50% से ज़्यादा वैक्सीनेशन का टारगेट हम अचीव कर चुके हैं अब तक। ये थे देवली SDM साहब, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया और किस तरीके से देवली ब्लॉक में वैक्सीनेशन का आंकड़ा हासिल किया है। मनीष बागड़ी, न्यूज इंडिया, देवली टोंक। बाड़मेर के समदड़ी में कोरोना महामारी के दौर में ऑक्सीजन संकट से उबरने के लिए महामशाओं ने सहयोग करने का काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में देवड़ा गांव में चल रही ग्रेनाइट खान एसोसिएशन के अध्यक्ष पीट सिंह बलावत की प्रेरणा से मंगलम ग्रेनाइट और राजस्थान स्टोन की ओर से सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल की मौजूदगी में समदड़ी चिकित्सा प्रभारी शिव मंगल नागल को 5 ऑक्सी कंसंट्रेटर मशीन सुपुर्द की गई। इस अवसर पर विधायक हमीर सिंह भायल ने क्षेत्र के तमाम हमशाहों का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि बाड़मेर जिले के सिवाना विधानसभा से BJP से एकमात्र विधायक होने के कारण उनके विधानसभा क्षेत्र में सरकार की ओर से भेदभाव किया जा रहा है। राजस्थान सरकार के मंत्री से लेकर तमाम जनप्रतिनिधि क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं, लेकिन क्षेत्र के किसी भी प्रकार की कोई सुविधा क्षेत्र में मुहैया नहीं करवाई गई है। आज भी जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ में 5,000 मास्क यहाँ मैंने N95 वाला जो होना चाहिए, जो जरूरत है डॉक्टरों की सलाह के आधार पर वो दिए। और भी सरकार की तरफ से सिवाना विधानसभा के साथ में भेदभाव हो रहा है और ये ईमानदारी से हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, भेदभाव नहीं। लोग कहते हैं कि यहाँ भी मंत्री कई बार आके गए हैं, पर मंत्री देख के क्या गया, जरूर दुख देके जरूर गए हैं, कोई कोई आइटम अधिकारी की ट्रांसफर के गए करके गए होंगे, परंतु देने के लिए उनके पास में कुछ नहीं है सिवाय तकलीफ देने के अलावा कुछ नहीं है। और दो ही मार्च से जहाँ झोला साहब डॉक्टर जो गाँव में इलाज कर रहे हैं, मैं मानता हूँ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पर कार्रवाई सामूहिक रूप से होनी चाहिए। जैसलमेर यहाँ इंडस्ट्री के नाम पर पर्यटन ही है, हालांकि यहाँ स्टोन इंडस्ट्रीज भी है, लेकिन जैसलमेर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन पर ही निर्भर है। 50,000 से ज़्यादा लोग इस व्यवसाय से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। कोरोना के सर्वाधिक नुकसान पर्यटन को पहुँचाया है, पिछली लहर में भी पर्यटन सीजन पिट गई थी। हालांकि नवम्बर दिसंबर में कुछ सैलानी आए थे लेकिन प्राप्त नहीं। पर्यटन व्यवसायियों को उम्मीद थी कि 2021 की पर्यटन सीजन ताबड़तोड़ रहेगी और पिछली कसर निकल जाएगी, पर दूसरी लहर के चलते सब चौपट हो गया। जुलाई से जैसलमेर में पर्यटन सीजन का आगाज होता है और ऐसे में इस बार भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सिटी है जहाँ का प्रत्यक्ष रूप से सारा जो कारोबार है वो टूरिज्म से जुड़ा हुआ है। केवल होटलियर्स, रेस्टोरेंट्स यही टूरिज्म नहीं है, यहाँ की जितनी भी दुकानें, यहाँ के जितना भी हैंडीक्राफ्ट, यहाँ की जितनी भी मजदूरी की दुकान है, वो सारे के सारे टूरिज्म पर डिपेंड कर रहे हैं। कोरोना की महामारी के जैसे चलते जिस तरीके से लॉकडाउन हुए, होटलों को बंद करना पड़ा, टूरिज्म ठप हुआ, उससे यहाँ पे 1,000 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा का टर्नओवर का जो था वो पूरा का पूरा भी फ्लॉप हो चुका है।
उसको देखते हुए जो टूरिज्म की जो यहाँ की पब्लिक थी उसके ऊपर जो करारी मार पड़ी है, क्योंकि यहाँ की जो रीढ़ की हड्डी है वो केवल और केवल टूरिज्म ही है। वो रीढ़ की हड्डी टूट गई तो अब आप सोच लो कि यहाँ के जो लोगों की जो हाल है वो किस ढंग से अपने हाल बसर कर रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में पंजीकृत गौशालाओं के लिए घरेलू विद्युत दर की आधी राशि को टैरिफ अनुदान के रूप में उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसको लेकर ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने बताया कि सीएम गहलोत ने राज्य के वर्ष 2021-22 के बजट में प्रदेश की गौशालाओं को आर्थिक संबल देने के लिए उनको घरेलू विद्युत दर की आधी राशि टैरिफ अनुदान के रूप में देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से पंजीकृत गौशालाओं के लिए घरेलू विद्युत दर की 50% टैरिफ अनुदान के रूप में डिस्कॉम्स को उपलब्ध कराने की सहमति प्रदान कर दी गई है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।